ये हमारे गांव रौनक देख। हाँ हाँ आप ही तो छो रौनक नीचे और या तेल खाल चाची नौ पता भी था। अच्छा क्या गुडी चाची? अच्छा ये गुडी चाची। दोस्तों अब आ गए हम ऊपर बॉडी जी लोगों के यहाँ, है ना। समय बॉडी जी भी और बूढ़ी भी है घर पे, और क्या कहते हैं देखते हैं अंदर का हाल, है ना। इधर दिखाते हैं आपको, और ये देखो अंदर का नजारा, ये क्या हो रहा है। आप मैं गांव के कई लोग इसे जानते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। हमारे बॉडी जिनका घर सबसे ऊपर था, लेकिन अब उनके घर के ऊपर भी एक और घर बन गया। हाँ। नहीं तो पहले इन्हीं का घर सबसे ऊपर था, तो ये हमारे बॉडी है। हाँ। और कहाँ का फोटो है ये बताना। हाँ ये इनका शुभ नाम जय लाटू पोखरा। हाँ जय लाटू पोखरा, बिल्कुल सही। नई बार यही चा नई बार थोड़ा ना। हाँ पंजाब की है। हाँ पंजाब, पंजाब की है बुआरी। ये पंजाब रंदी पंजाब की है। अच्छा छोड़ रही है, बिल्कुल ठीक। तो ऊपर कटोरी में रख दिया मैंने मक्खन। चल बस कह रहा ठीक है। अच्छा सचिन जो अच्छा छह जो हो गई छाछ। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है बड़ी। दोस्तों इस समय मेरे साथ है किशन, है ना, काका का बड़ा भाई जो अभी मेरे साथ हम हसीड़ी महादेव हंसेश्वर में। तो अब हम जा रहे हैं नीचे पंचायत भवन, शायद वहाँ से सामान लाना होगा। चाचा जी नीचे चले गए हैं और क्या कहें, हम भी जा रहे हैं नीचे सीधे पंचायत भवन पहुँचना, वहाँ से सामान लाना। तो वहीं पे खड़े होंगे, ये देखो पीछे बैकग्राउंड में कितना अच्छा आ रहा है ना, गाँव के रास्ते। देखो गाँव के कुछ लोग मैं शायद जानते नहीं हूँ, अभी इनसे पूछना पड़ेगा कौन है। नमस्कार, ये देखो गांव के लोग। हमलका ने पना आप तो इनसे बड़ा। तो ये जो पीछे आ रही है पुफू जी हैं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन पूछा तो इंट्रोडक्शन तो क्या मतलब है, ये पुफू लगती हैं और हसीउड़ी से आ रही हैं। अच्छा हसीउड़ी रहते हो? नहीं नहीं हम तो ऋषिकेश रहते हैं, बंगार ऋषिकेश के। अच्छा बंगार है और पियर यहां है ये पोखरी। अच्छा ये पट्टी बंगार से? हां बंगार गांव है, बंगार पट्टी सावली। हां रहते हैं हम ऋषिकेश। ये साथ में ये भी हैं, ये सब फूफा जी नीचे। अच्छा फूफा जी ना। हाँ ठीक है, मैंने आपको फूफा जी ठीक है तो पता चल गया। मेरा नाम है ओम प्रकाश बड़ाई। अच्छा श्री ओम प्रकाश बड़ाई जी हैं ये, और ये हमारे फूफा जी लगते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम तो वह कर रहा हूँ क्या बोलते हैं, देहरादून क्लेमेंट टाउन ना। वही साइड तो सब हो रही थी, क्या बोलते हैं नेपाली वेपाली। हाँ नेपाल बहुत अच्छी वक्त है। बंडे नेपाल छो जख मिलिट्री एरिया से ना। हां 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 आरबी एरिया पास। हां एयर फोर्स भी जा। हां बिल्कुल बिल्कुल, जंगलात बटी जो जान रहा। हां वो थे बुद्धा टेंपल, वो तिब्बती वो लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल। हां हां वो नेपाल वो पिछला एक ओच मजूरक छे ने मजूरक ना। अरे हां हां मैं नाम बता दूं, वो थी श्री कन्हैया लाल नौटियाल जी। अब वो तो गुजर गई ना, हमारे घर पारम वही गली में रहंदी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और बंदोनी में रहता, वो तो एक तो बिचारो एक तो गाय वाय पली थी बहुत सारी। हां हां बंदोनी धर्म अब एक महीना रो लाम। अच्छा ये हमारे बॉडी जी हैं, और ये हैं श्री शशिधर पोखरियाल जी, और ये क्या कहते हैं इनके कुछ एक लड़का तो मेरे ख्याल से रिस्क केस रहता, और एक और भी है ना भाई बड़ा भाई। अच्छा दो ही रिस्क केस रहनी, अरे एक थैल से ना। हाँ देखें अच्छी मेरा। हाँ 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 अब बॉडी भी काफ़ी ना बहुत उम्र ठीक। हाँ 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 अच्छा हाँ, तो ये जो है थैल सेंड रह रहे हैं अभी क्या कहते हैं जो बड़ा भाई है, यानी इनका ये जो बड़ा लड़का है ना, काम कर लिखा लेगा जी है। हाँ बुना किले चा देखो पिछले बट बना जी गाँव लोग चुप रही कख रही गाँव लोग सबसे ज़्यादा बोली हैं। यहाँ भी दिखाते हैं पूरा, उस समय तो मैं आया था। देखो अभी ताला लग रखा है, शायद गर्म कोई नहीं वाला अभी। ये पंचायत है ना, पंचायत भवन तो यही है, अभी पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। काकू ये देखो, ये तो शिवांश क्या है इसका नाम, प्रियांश। अरे ये देखो बॉडी ना। हाँ वाह ये देखो, ये हीरो ऊपर जा रखा है। ये पंचायत भवन पोखरी है ना, ऊपर लिखा है पंचायत भवन ग्राम सभा पोखरी चोपड़ा कोट, पट्टी चोपड़ा कोट है।
ये देखो फोटो लग रखी है। और इधर सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, यहाँ चेयर, ये सारा सामान यही है, बर्तन सारे, चेयर जितने भी सारे, और ये जनरेटर भी लगा, शादी का सामान मतलब जितनी भी जरूरत पड़ेगी पूजा में वो सारे यहीं से ले आते हैं, है ना। ये देखिए हमारे घर पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ ठीक। ये देखिए पूरा अंदर। ये दोस्तों अब ये क्या करते हैं, ये देखिए मेरे हाथ में है ये क्या कहते हैं ना, केतली और बाल्टी। ठीक, अब ये जाएंगे ऊपर, और कुछ बर्तन ये है ना, और वो चाचा के बड़े लड़के ने भी ले रखी है कुछ चटाई चुटाई बिछाने के लिए, वो आगे निकल रहे हैं। ये देखो पीछे का नज़ारा, पूरा घर है ना पंचायत भवन से लगता हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। इधर आस पास देखो गांव के लोग कर्म है ना। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो दगड़ियों। अब ये देखो एक घर, ये भी पहले आया था मैं यहाँ पे, कभी इस घर के अंदर गया था, लेकिन अब ये शायद शिबू का है, और ये जानता हूँ मैं इन्हें अच्छे से, लेकिन ताला लग रखा है। ये भी कहीं जा रखे हैं या फिर घर छोड़ के जा रखे हैं, लग ऐसे रहा है हाल देख के कि ये भी घर छोड़ के गाँव छोड़ के जा रखे हैं। चलो ऊपर चलते हैं। ये देखो सबसे आगे भागते हुए। नमस्कार चाची। नमस्कार, नमस्कार चाची जी। मिल इनसे तो पूरे गांव की रौनक बनी रहती है। देखो क्या कर रहे हैं, अच्छा से देखना है ना, बुढ़ापा भी छा रहा है, लेकिन क्या करें। कैसे हो चाची? बस बस ठीक है, चल रही है गाड़ी। ये देखो कैसे बर्तन लाने पड़ रहे हैं, हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, वो तो थोड़ा मैंने एक हाथ में मोबाइल पड़ रखा, नहीं तो दोनों हाथों में लिया था, और सामान भी ला सकता हूँ, वो तो थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ना इसलिए। दोस्तों अभी तो हम हसीड़ी से आए थे, और उसके बाद अभी आए पंचायत भवन, गए तो बर्तन लेने के लिए, और अब हाल दिख रहा होगा आपको हमारा है ना, कैसा वर्क है। हालांकि थोड़ा बहुत बैठे थे अभी ऊपर बॉडी के घर में, जो सबसे ऊपर है बॉडी। अब मैं बताता हूँ कितनी थकाई लगती है। देखो ये देखो, ये जो काका है हमारे है ना, म्यार छोट बोला थके गए है ना। देखो चलो भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे तो थोड़ा पानी पियेंगे आराम करेंगे। लगेगा अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, टैक्सी में ये देख लिया हमारा अल्मोड़ा अंग्रेज, ये काका अंग्रेजी पोखरी अंग्रेजी। अरे ये क्या कटना चाहिए, सीधा मतलब घर में के दिल बटे हैं और सीधा साग सब्जियाँ। अच्छा ठीक है, कुछ बनाना चाहिए है भैया। किधर के रास्ते मतलब, अभी सीधे दिल्ली वो रामनगर, रामनगर हैं, रामनगर होते हुए ना। अच्छा ठीक ठीक। दोस्तों अभी हम घर पहुँचे, और अभी ये पूरा जो सामान लाए थे पूरा टेंट ये ऊपर का, ये देखो कैसे ये पूरा लगा दिया अभी थोड़ी देर में। अभी हो सकता फिर से जाना पड़े हमें पंचायत भवन, वहाँ पर और सामान लाना पड़े, उसके लिए भी तैयार हैं। अभी मझगाँव जाना है पूरी सब्जी लेने के लिए। ये देखो ये पूरा बांध दिया, दो शीट लगा रखी ऊपर है ना, ये पूरा कवर कर दिया, बारिश आएगी तो ऊपर से। ये देखो खाने पीने के इंतजाम हो गया, ये सलाद है, दाल भी है, और ये रायता चावल सब थक ना, और सब के सब अब आ रहे हैं। ये देखो यहाँ ये देखो खाने पीने के लिए। ये दोस्तों काफी वार के अपने सगे संबंधी है ना, और ये देखो ये सुंदरियाल जी है ना, अब चलो ठीक है। ये हैं आई चाचा जी हो गए, ये पापा जी हो गए ससुर मेरे भाई के, और ये माता जी, और ये चाची है ना, स्पेशल है, इसलिए थोड़ा दांत भी दिखा ले। ये बोले मैं खड़ा है, दांत दे दीजिए क्या है, दामी को भेज रहे। हां सबको चाची बॉडी सब इन शर्माना जी को कैमरा दिखा, दांत भी दिखाना, एक इंच कैमरामैन चाची तेल खा, चाची हां तेल खा ले चाची,
हाँ ये मैल खा रहा चाची, अब बॉडी मैल खा रहा की। परवेश भाई सबसे ज्यादा काम करने वाले पोखरी में, भांडा धोना हाँ। अरे देखो भांडा धोए जाना देखे बारी मिट्टी बार भांड धोनी से। अरे बैठे से सब ये देखो इतने बने से कैमरा मैन। अरे क्यों ये भाभी और ये क्या कहते हैं क्यों नहीं चाहिए को हाँ ईशान पोखरिया बोल भाई वक्त कैमरा मैन बनी चाहिए रिपोर्टर है। दोस्तों ऊपर और रिश्तेदार हैं अभी ताई जी आ रही कोई, अब ये देखते हैं ऊपर जाके पता चलेगा। अभी आराम करने का टाइम भी नहीं मिला, खाना खाने के बाद सीधे दौड़ धूप। चलो भाई बाबा कितनी चढ़ाई है, चढ़ जल्दी जल्दी करिए। ये देखो अब पता चले ये मनीष भाई लोग है ना जो परेश भाई के चाचा जी सबके साथ। ये मनीष भाई मनीष पकड़े ये दर्द वाले अच्छा ये भी तो आर के इंट्रोडक्शन दो भाई अपना, क्या नाम है आपका? युवेका। हैं? युवेका। आपने मुझे पहले भी देख रखा है, आप आए थे क्लेमेंट टाउन। सुनो और भी इधर आ जा अभिमानी, सामान ले जाना नीचे आ जाओ। ये देखो ये देखो इसे हिस्सोले खाने की लग रखी है, ये कह रहे हैं कि मैं फिर से हिस्सोले खाऊंगा बाद में फिर आएंगे। आराम आराम से आ जाओ। अब शाम के खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी। और ये देखो सबके सब लग रखे हैं चाचा जी, ये हैं नीचे मलिक खालू वाले और मलिक खालू वाले बॉडीज भी लग रखे हैं, सब स्पीड में लग रखे हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पे भी काम चल रहा है धड़ाधड़, कोफ्ते बनाए जा रहे हैं। चलो अभी जगह गया फटाफट काम। ये से हमारे गांव इलेक्ट्रिक मैन सुरु भाई सुरेंद्र पोखरियाल जी। दोस्तों ये ग्रुप फोटो और एक गांव का लोग थी है ना, एक बैठे चाची बोड़ी है ना, और यहाँ से चाची बिगर चाची बसंत बोड़ी और या तेल खाल चाची नो नहीं पता भी था। अच्छा क्या गुडी चाची, अच्छा ये गुडी चाची है ना, और क्या दर्शन दीदी, हाँ दर्शन दीदी। अच्छा फिर दीदी बोले ना बट हाँ ये घसेरी नौ हाँ सुनीता बहु, ये सुनीता बहु रिपोर्टिंग। ये हमारे गांव रौनक देखो, हाँ हाँ आप ही तो छोर रौनक नीचे एक दिन बुढ़ा पे जान था सब अयो जवान हो जाना नीचे सब ये चा अब ये मतलब यादगार रह जान। हमारे प्रेम भाई साहब जो अभी पहुँचना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले पहुँची है ना, थैल सेंड बड़ी आना चाहिए सीधा काम पर। कोई नहीं कह नहीं पूछ चा कुने चा प्यार निप्या निपिंदाई भला देखी देखो फटाफट ये किशन ले गया है काम पर। ये बड़े चाचा जी के बड़े लड़के है ना, चाचे थके गए पता नहीं कब बैठे आने वाले है, क्या थके है ना। ये सलोनी है बीच में और ये क्या नाम है युविका है, वेरी गुड। ये मनीष भाई के लड़के परवेश भाई के चाचा जी के लड़के की बेटी और ये है परवेश भाई की बेटी यतिया की पढ़े हैं, और जो युवक है वो कहाँ पढ़ती है देहरादून। ठीक सभ्य लगे अच्छे काम पर दे। कुछ आदि मेन चीज मतलब जो बात हम लगे अच्छी बाकी तो खैर। आज दोनों के दोनों प्रेम भाई भी आज ही पहुँचे हैं और सुरु भाई भी आज ही पहुँचे, ये तो थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। सुरु भाई ये दिल्ली रहते हैं दिल्ली बुराड़ी, ये देखो इनका नाम है प्रियंका है ना, ये भी देखो
पंजाबी स्टाइल में है ना, पंजाबी तड़का। और ये देखो ये गढ़वाली तड़का, तो फटाफट ये पकेगी। ये पंजाबी तड़का ऐसे बोल ठीक लग रहा है हाँ। अब खाणो खाणो तो पता चला। वो पंजाबी सदा जी की लड़की है, नहीं खाना ना, खाएगा खाएगा, खिलाओ इसे। अबे मीठा हो रहा है, बाद में खाएगा मेरे साथ है ना। मीठा हो रहा है, बाद में खाएगा चाची। अच्छा चाची दगड़ खाने। चलो तो दोस्तों ये देखो अभी काफ़ी टाइम लग गया, रात भी हो गई और टाइम आगे आगे बीत रहा है और काम भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। कोफ्ते के बाद अब ये देखो फटाफट पापड़ फ्राई हो रहे हैं, आगे सब्जी सब्जी जो भी आलू पहले फ्राई कर दिए थे और उसके बाद वो मिक्स वेज बनाएंगे। ये देखो प्रेम भाई लग रहे हैं, सुरु भाई लग रहे हैं और ये किशन लग रखे हैं यहाँ पे। ये लाइट का इंतजाम भी किया था यहाँ पे। हाँ ये तल गए पापड़ है ना। यहाँ पे रोटी बनने लगी है, ये देखो बहुत तेज़ से काम, बहुत सारे लोग लग रखे हैं। ये देखो कितना सारा आटा गूंज रखा है ना, ये परात में देखो। ये एक बैठे हैं जी रोट बना रहा है ना, ये देखो ये सब भी फोटो। हाँ बन गया। देखो ये हमारी है ना छोटी बुली कविता सुंदरियाल जी है ना, ये फैल सेंड रहती है। दोस्तों आज पूजा हुई थी यहाँ पे, तो ये फोटो लग रखी है माँ की और आज एक साल पूरा और आज ये बरसी मनाई है, पहली बरसी आज माँ की। ये सब्जी की तैयारी चल रही है, देखो ये क्या है आपके, ये अच्छा टमाटर भी इसमें मिला दिया। अच्छा टमाटर नहीं है, ये है आपके शिमला मिर्च और ये गाजर और क्या कहते हैं आलू, दोनों को तल दिया है, सब्जी जल्दी बन जाए। और ये मटर है, ये रसोल, ये वैसे तो इलेक्ट्रिक मैन है पर यहाँ पे आप देखो रसोल भी बन रहा है, ये मसाला भूनने के लिए डाल दे भाई। देखो टमाटर और काटे जा रहे हैं, और टमाटर डालनी ज़्यादा ना गर्म नहीं होना तेल ना रहा, वो तो मैं डाल दे। दोस्तों ये मेरे दादाजी और ये हैं ग्राम कोठला से, ग्राम कोठला से मेरे दादाजी हैं और ये यहाँ हैं हाँ नौटियाल जी, श्री भगवती प्रसाद नौटियाल जी, ये पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे शिवानंद नौटियाल जी जो यूपी के थे, तो उनके छोटे भाई। दोस्तों खाना पीना शुरू हो गया और सब बैठ के लाइन से, इधर भी हैं बॉडी, सब बैठ के बॉडी जी। दोस्तों आज का ब्लॉग मुझे यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।